नमस्ते, मैं डॉक्टर आयुष कुमार सर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वेलकम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जयपुर विद्यापीठ कॉमर्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिक्शनरी चैप्टर फॉर कोटकी। कोटो फैमिली हिस्ट्री सी इस संस्कृत में कटुका कटुरोनी कटुकी कृष्ण पिता मत्स्य चक्र छत्पर चक्रादिनी एंड इंग्लिश में विक्रोराइजा एपिटे विक्रोराइजा कुरोराइजा पैरी एंड हेरी मत्स्य विच इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम। मॉर्फोलॉजी कुटकी की स्मॉल अप विद स्मूथ शेल्ड 5 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लीव ऑलमोस्ट ऑल एट द बेस लीव्स आर कॉर्टिकेटेड नैरो टू अ विंग बेस्ट ऑफ diagram of the plants are 15 to 25 cm long and woody. Flowers are small, pale and purplish blue. Burn in cylindrical spikes. Spikes burn on almost leafless erect stem. Flowers about 8 mm, 5 cloak to the middle and with much long stamen. Fruits are 1 to 3 cm long. Flowering stamen are usually longer than the leaves. Kutki is found in the Himalayas from Pakistan to Uttarakhand at higher altitude. Flowering season is June to August. These are some pictures of Kutki. This is a green plant and this is a useful part, root. The root of Kutki contains petrolyzin and Kutki with a mixture of kutkocyte and petrocyte. Raj, Kutki Kutki, Guna, Lagu, Vedi, Ushna, Vipa, Kutu, Dushkram, Kapu, Pitta, Harfi. यहाँ बनोटी में जो कोटेशन दिखाई है कटुका पित्त जीतो तिक्ता कटुओ शीत असर दाहे अर्थात कटुका पित्त को जीतने वाली तिक्त और कटुका से शीत असर और दाह को जीतने वाली होती है। बला अरुचकान हंती विषम जर नाशन अर्थात कफ अरुचि को दूर करने वाली विषम जर का नाश करने वाली होती है। ये पित्त सारक होती है या उत्तेजक होती है, रोचन दीपन और रेचन का कार्य करती है, क्लिनिक में होती है, रक्त शोधक होती है, चौथर होती है, छेदन होती है, समयग्न समयशूरन कुष्ठग्न दाहशम जरग्न और लिखन होती है। यकृतिका का नाश करती है, कामला पितृका अरुचि अग्निवाण्य देवंध आना उदर रोग आदि में प्रयुक्त होती है। हृदय रोग रक्तिका और शोथ रोग में हम इसे यूज करते हैं। श्वास कास को दूर करती है, प्रमेह हम उपयोग किए सन्नी विकृति में यूज करते हैं इसका। चर्म रोग कुष्ठ आदि में यूज होता है इसका। दाह ज्वर में विषम जर में अधिक प्रयोग दौर्बल्य और नेत्र रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी पार्ट रूट डोज अगर हम पाउडर फॉर्म में देना है तो 1 से 3 ग्राम इसका शमन औषधि के रूप में, और अगर कटु पौष्टिक के रूप में देना है यानी बिटर टॉनिक के रूप में देना है तो 1.5 से 1 ग्राम इसको यूज करते हैं, और अगर रेचन करने के लिए इसको देना है तो 3 से 6 ग्राम हम इसे लेते हैं। इसका फॉर्मेशन आरोग्यवर्धनी बटी इत्यादि क्वार्क ग्रेट। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any queries, please mention in comment box. Thank you.